सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे हैं, स्वस्थ हैं अपने घर में। तो मैं भी ठीक हूँ और अभी मैं आई हूँ टेरेस पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आफ्टरनून इसी टाइम पे मैं आती हूँ टेरेस पे। जैसे कि मैंने मेरा जो पिछले ब्लॉग है उसमें मैंने बताया है कि मैं 5 बजे उठती हूँ टेरेस पे, थोड़ा सा घूमती हूँ और थोड़ा सा रील्स बनाती हूँ। तो ये देखो मेरा जो सहारा है रील्स बनाने के लिए, तो इससे मैं रील्स बनाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है हवा खाते खाते और रील्स बनाना। और ऐसे ही टहल रही हूँ और थैंक यू गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आज मैं कहीं गई थी, सो मेरा कुछ काम था, मैं कहीं गई थी और मतलब नियरेस्ट जो मंदिर था, टेंपल था हमारे यहाँ पे, तो उसका वीडियो मैंने डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वो मतलब भगवान किशन जी का मंदिर है, राधा एंड किशन जी का मंदिर है। तो मैं जब छोटी थी बहुत, तो तब जाती थी मम्मी के साथ, बहुत ही जाती थी। और रात के 8:30-9 बजे तक खुला रहता है मंदिर, तो वहाँ पे रहती थी फिर चले आती थी। तो आज अचानक गई थी। और अभी क्या बताएं खुद के बारे में, क्या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं ठीक हूँ और अब कभी भी अगर कहीं पे जाऊँगी तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी आपके लिए। वैसे तो मैं कहीं पे जाती नहीं हूँ, जाती हूँ मतलब जो लोकल जो स्टोर है वहाँ पे कुछ खरीदने, वो भी कभी कभार, मतलब ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ कहीं पे भी। सबको ही पता है मैं हाउसवाइफ हूँ और नया कुछ भी बताना नहीं है, अब सभी को पता है। और अभी खुद के बारे में और क्या बताऊँ, तो अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, अच्छा लग रहा है। और हरदम काम 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 रहता है घर का, मतलब हमेशा ही सुबह से लेके रात के डिनर बनाने तक सारा दिन काम रहता है। उसके बाद वीडियो को एडिट करना, फिर पोस्ट करना, ये सब भी काम रहता है। तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना और टाइम भी बहुत अच्छा कट जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब अकेली हूँ, घर में अकेली रहते हुए भी अकेली नहीं हूँ ऐसा लगता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, सो मतलब काम में बिज़ी रहती हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप आपके टाइम को कितना यूटिलाइज़ करते हो। सो और क्या बताएं, आप सब अच्छे रहिएगा अपने अपने घर में, टेक केयर कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हम सभी का हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये एकदम सही बात है। और कुछ बताना नहीं है, अगर आप कुछ चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं बाय योर कमेंट, मैं पढ़ती हूँ सभी का कमेंट पढ़ती हूँ। और गाइस थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मेरा सब्सक्राइबर जो है, सभी सब्सक्राइबर जो है मेरा फैमिली है। अभी तो मेरा 531 का फैमिली हुआ है, तो बहुत ही कम समय में हुआ है। तो सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम मतलब दिल से धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो अगर पॉसिबल हो तो मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप सभी से बात करूंगी। टाटा। अच्छा, और एक बात पूछना भूल गई, मैं कैसी लग रही हूँ आज। मैंने बहुत सारा ग्रूमिंग किया है देखो, सो मुझे ग्रूमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेकअप करना भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि आप सभी जब मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मतलब आपने देखे ही होंगे कि सुबह उठ के कैसे मतलब जैसे तैसे करके बाल बना के मतलब काम पे लग जाती हूँ। पर अगर टाइम मिलता है, फ्री टाइम बहुत मिलता है, तो मैं ग्रूमिंग करती हूँ। मतलब मुझे
ग्रूमिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कोई रीज़न नहीं ज़रूरी होता है, जैसे कि आज कोई रीज़न नहीं है, कोई ओकेशन या फिर फेस्टिवल नहीं है आज, फिर भी मैं इतना सज धज के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सजना संवरना। और मैं मतलब बहुत ही खुश रहती हूँ जब भी मैं सजती हूँ संवरती हूँ। तो आज ऐसे ही मैंने ग्रूमिंग किया है। सो कमेंट पे ज़रूर बताना कैसे लग रही हूँ। ओके बाय।